अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। और मेरी जो रिपोर्ट है यूरिक एसिड की, वो भी नॉर्मल आई है। आप सब लोगों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, जो दुआएं आप लोगों ने मेरे लिए की हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी जजा दे और आपको हर बीमारी से और हर परेशानी से महफूज रखे। तो ये मेरी रिपोर्ट है जो कि कल मैंने करवाई थी अपनी, तो शुक्र है अल्लाह का कि नॉर्मल है यूरिक एसिड की। तो ये है कि भी मेरे ना पाँव में फिर भी पेन होता है। आज फिर डॉक्टर ने बुलाया है, उसने कहा था कि मेडिसिन ये खाना, अगर तो आपको फ़र्क पड़ेगा तो आप यही खाएंगी ना एक हफ़्ता, अगर नहीं पड़ेगा तो फिर और टेस्ट देंगे। लेकिन खौफ आ रहा है आगे और टेस्ट से कि और क्या टेस्ट होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह अच्छी करेगा। और पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्यों मेरे में पेन हो रहा है। तो क्या कहते हैं, मैंने आयरन टेस्ट भी करवाया और मैंने क्या कहते हैं कैल्शियम का भी करवाया। कैल्शियम का तो बल्कि ज़्यादा है, डॉक्टर ने कहा कैल्शियम थोड़ा कम करें। तो बाकी मुझे नहीं पता और क्या टेस्ट करवाएंगे। मेरा ख्याल है शायद शुगर का करवाएं, क्योंकि रात भी मेरी टांगों में पेन हो रही थी, लेकिन मेडिसिन से मुझे फ़र्क है। तो बाकी देखिए, आज मैं जाऊँगी, अभी वो मुझे क्या कहते हैं, फ़र्क है मुझे थोड़ा सा ना, तो आगे देखती हूँ। बस कल मैं ठीक नहीं थी, तो कल इन घर वालों ने ना बड़ा आराम करवाया। अंजल है तो इतने पाँव दबाए हैं ना मेरे, जैसे बस ना क्या कहूँ अब। तो अंजल सुन रहा है पीछे खड़ा। कल तो इन्होंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाने दिया, आज सुबह ही फरमाइश शुरू हो गई थी। एक ने, इनके डैडी ने बोला आज कबाब बनाने हैं, कबाब बनाए। तो बेटी और बेटे की फरमाइश थी कि चावल बना लेना, वो मटर पुलाव मैंने दोपहर को बनाया। फिर तो अभी फ्रूट पड़ा था, कह रहे थे अब रात को खाना नहीं खाना, मम्मी फ्रूट चाट बना लें। तो मैंने कहा अच्छा, बस सेवा ख़त्म हो गई है मेरी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत होती है। लेकिन कल पता नहीं क्या एक अजीब सी टेंशन भी थी, वो थोड़ी सी टेंशन भी रिलीज़ हुई है, तो तब भी थोड़ी सी तबीयत बेहतर हो गई। तो थोड़ा सा ये टेस्ट की आई रिपोर्ट, ये भी बेहतर हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो बाकी अब मैं देखती हूँ क्या करना है अभी मुझे। और बस मैं अभी इनके लिए फ्रूट चाट बना रही हूँ। अंजल कह रहा था मम्मी आपके साथ हेल्प करवा दूँगा। अंजल आ जाओ अब। अंजल ना फिशल कर रहे हैं, अभी फारिग हुआ है करके। अभी देखना, आप देख के बताना ज़रा लश्कारे मार रहे हैं कि नहीं। ना छेड़ो उसको। हाँ जी। चलो ये तुम ना सेब छील लो। शुरू हो गया इसकी तो ना फ्रूट चाट शुरू हो गई है। कह रहे थे मम्मी दही और क्रीम वाली बना दे, क्योंकि दही और क्रीम वाली ये हम लोग ना शौक से खाते हैं, दूसरी नहीं खाई जाती हमसे। सेब छील लो, वो अपने काम में लगा हुआ है। थोड़ा सा लग रहे है ये करके फिशल, दिखाना ज़रा मुँह इधर को। अल्लाह अकबर, यूनिवर्सिटी तो आ जा रहे हैं, तैयारियाँ अभी से इसने ना शुरू कर दी है। फिशल करने है, मैं कौन सा तिताब फैन है जो आज नजर आ रही है। अच्छी बात है, अपनी केयर करनी चाहिए। पहले नहीं ये करता था, इसने अभी करनी शुरू की है। ये मैंने ना दही और क्रीम वाली बना रही और ब्लैक पेपर डाल के, क्योंकि ये इतनी स्पाइसी नहीं होती, खाई जाती है। कल इसने मेरी इतनी सेवा की है, यकीन करें, मेरे पाँव दबाए, तेल की मालिश की इसने। आज जब पता चला है ना मम्मी की रिपोर्ट ठीक आई है, तो मुझे ना काम भी शुरू कर दिए इन लोगों ने। कह रहा था, वैसे कह रहा था मम्मी अब मैं आपकी हेल्प करवाया करूँगा, आप ठीक नहीं रहती, छिलके खा रहे बेटा। क्या काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे लूँगी अभी इजाज़त। तो क्या कहते हैं, मैं फ्रूट चाट इनको बना के दे दूँ। रात को छुट्टी करनी है रोटी से, इनका हाथ और फ्रूट चाट भी खाएंगे। अभी तकरीबन असर का टाइम है, फ्रूट चाट बनते तकरीबन मगरिब हो जाएगी। तो नहीं नहीं छुट्टी करोगे रात को, मैं कोई नहीं बना के दे रही रोटी। चावल बने हुए वो खा लेना, खाने तो कबाब ख़त्म हो गए। छुट्टी की चीज़ ये रिफ्रेशमेंट है, ये रिफ्रेशमेंट है इसकी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दुआ करने का। मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस बात पर, जितने मेरे बहन भाइयों ने दुआ की है, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं अपना जो ब्लॉग है ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कल एक नए ब्लॉग के साथ आऊँगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। और अगर दुआ है कि भी मुझे अब डॉक्टर मजीद कोई टेस्ट ना दे, मैं ठीक हूँ, तो खौफ आता है पता नहीं क्या टेस्ट देगा, मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह ताला। तो मेडिसिन मैं ले रही हूँ अभी। तो आप लोग जहाँ रहें खुश रहें और आबाद रहें, मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह।